क्यों आए हो यहाँ? अंकल जी, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मैं भला आपको क्यों फंसाने लगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा है राहुल, रितेश मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? और तुम्हारे उस वकील ने, क्या नाम है उसका, हाँ ऋषभ नाहर, उसे ये कहने की क्या जरूरत थी कि मुझे मेरे पार्टनर ने ही फंसाया है? ओ, अब समझो। अंकल, मैं आपका इकलौता पार्टनर तो नहीं हूं। मेरे और कोई पार्टनर नहीं है राहुल, ये तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। पेपर्स पर ना सही, लेकिन आपके पार्टनर तो होंगे। जिन लोगों से आपने रुपया लिया है वो सब अपना गुजारा तो इंटरेस्ट पर नहीं कर रहे होंगे, किसी ना किसी ने हिस्सा मांगा होगा। राहुल, अव्वल तो ऐसा हुआ नहीं है। हाँ ऑफर जरूर थी, लेकिन वो भी मेरी फाइनेंशियल स्थितियां गड़बड़ाने के बाद, और मैंने सबको मना कर दिया था। खैर, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए आप लॉकअप में ही रहिए, इसी में सबकी भलाई है। सबकी या तुम्हारी राहुल, तुम तो सिर्फ अपना भला चाहते हो। अंकल, किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़का दिया है। क्यों? क्या मैं बेवकूफ हूं, अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? आप मुझसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि मैंने आपकी जमानत नहीं करवाई, लेकिन जब आप बाहर आएंगे और आपको यह पता चलेगा कि आपकी जान को खतरा है, तब आप मेरी बात पर यकीन करेंगे। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है राहुल। मुझे भी नहीं है। आई एम सॉरी। देखिए ना, आपने मुझे कितना कंफ्यूज कर दिया। मैं आपसे कुछ और ही कहना चाहता हूं। मुझे आपकी चिंता नहीं है जितनी आपके परिवार की है। तो मैं क्या करूं? आप अपना बेल एप्लीकेशन फौरन कैंसिल करवा दीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन सरिता आंटी, नमिता और विनीता का क्या होगा? अच्छा अंकल, मैं चलता हूं। नमस्ते।